बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी ब्रीमोड का रिव्यू। ये जो ब्लू हेयर चंक्स हम लोगों ने किए हैं, इसका कंप्लीट ट्यूटोरियल भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी नेक्स्ट वीडियो में कि हम लोग किस तरीके से फंकी हेयर कलर्स जो हैं वो अचीव कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप लोग ब्रीमोड का शेड कार्ड देख सकते हो। ये वीडियो जो स्पेशली मैं बना रही हूँ इसलिए कि आपको पता चल जाए कि ब्रीमोड में हमें कौन कौन से कलर्स अवेलेबल होते हैं। तो बात कर लेते हैं ब्रीमोड के शेड कार्ड की। यहाँ पर सबसे पहले ज़ीरो की सीरीज़ है, 2.0, 3.0, 4.0, तो इनकी बात करते हैं ये कौन से कलर्स हैं। तो इनके ऊपर इनके शेड्स भी मेंशन है, जो कि ब्लैक, डार्क ब्राउन, मीडियम ब्राउन, लाइट ब्राउन, डार्क ब्लोंड, मीडियम ब्लोंड, लाइट ब्लोंड, ये सारे जो हमारे नेचुरल कलर्स होते हैं ये वो वाले हैं। उसके बाद आपको नज़र आ रही है 1 की सीरीज़, ये सारे ऐश ब्लोंड कलर्स हैं, डार्क, मीडियम, लाइट, वेरी लाइट, ऐश ब्लोंड, ठीक है, ये वाली सीरीज़ है अगर आप ऐश ब्लोंड में जाना चाह रहे हो तो। उसके बाद जो 7 की लाइन है उसमें हमें ग्रीन ब्लॉन्ड शेड मिल जाता है, ये सारे ग्रीन ब्लॉन्ड शेड ही हैं। अगर आप साइड पे देखें पिंक और कुछ इस तरह के शेड्स हैं, उनको आप लोग फैशन शेड्स के तौर पे यूज़ कर सकते हो या आप लोग हेयर चंक्स में उनको यूज़ कर सकते हो। ये आप लोग एक दफ़ा एक नज़र देख लें जो इसका दूसरा पार्ट है शेड कार्ड का। अब मैं आपको वन बाय वन सारा डिटेल से बताती हूँ इसका। और लास्ट में हमारे फंकी शेड्स आ जाते हैं, जैसे ब्लू, ग्रीन, रेड और ऑरेंज, येलो, इनका भी मैं आपको बताऊँगी। उसके बाद 6 की सीरीज़ आ जाती है, 6 में हमें इंटेंस रेड कलर मिलता है, इंटेंस रेड ब्राउन और इंटेंस रेड ब्लोंड में हमें लाइटर एंड डार्कर शेड्स मिलते हैं। 3 की सीरीज़ में हमें इंटेंस गोल्ड ब्लोंड में मीडियम लाइट एंड वेरी लाइट शेड मिल जाते हैं। 5, 6 और 4, 5 की जो सीरीज़ है इसमें हमें सारे मैरूनिश कलर्स मिलते हैं, मतलब इनमें मैरून का थोड़ा टच होता है, ठीक है। अगर आप लोगों को मैरून, मेहंदी टाइप कलर पसंद है तो आप लोग इन शेड्स में से सेलेक्ट कर सकते हो। और 00 की जो सीरीज़ है इसमें सारे हमारे एंटी कलर्स हैं, जिनको हम लोग मिक्सिंग शेड्स भी बोलते हैं। आपको पता है क्यूने के शेड कार्ड में भी लास्ट में यही वाले शेड्स होते हैं, इनकी डिटेल मैं आपको बता देती हूँ थोड़ी सी। तो ये हमारे पास ऐश, वायलेट, पर्पल, गोल्ड, कॉपर रेड, ग्रीन एंड ब्लू शेड्स होते हैं। इनका हमने करना क्या होता है, ये हम चंक्स में भी यूज़ करते हैं, जो आजकल गर्ल्स बहुत ज़्यादा बैक से चंक्स करवाती हैं तो हेयर चंक्स में भी ये यूज़ होते हैं, फैशन शेड्स में भी। स्ट्रिकिंग में तो बहुत कम यूज़ होते हैं, लेकिन इसके साथ हम लोग अपने जो येलो पिगमेंटेशन है उसको ख़त्म कर सकते हैं, ठीक है। ये एंटी कलर्स होते हैं हमारे, तो इसे हम लोग जो येलो पे हमारे कटडाउन स्टे कर जाता है तो येलो पिगमेंटेशन इन शेड्स के साथ ख़त्म हो जाती है। तो उसका प्रॉपर तरीका होता है जो कि मैं आपके साथ शेयर करूंगी, मतलब जब हम न्यूट्रलाइज़ करते हैं हेयर को कट डाउन के बाद, तो वो मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी। वो हम लोग एंटी कलर्स के साथ ही करते हैं, जो हमारी 00 की सीरीज़ है इस तमाम के साथ। अब आ जाते हैं ब्रीमोड के हेयर कलर की तरफ। ब्रीमोड हेयर कलर की बात की जाए तो यहाँ पर सबसे पहले डिस्कस करना चाहिए प्राइस को, इसकी प्राइस रेंज क्या है। इसकी जो ओनली ट्यूब होती है ना, वो आपको तकरीबन 480 रुपीज़ तक मिलती है। अभी जो इसकी लेटेस्ट प्राइस जा रही है वो मैं आपको बता रही हूँ। इसका जो वॉल्यूम होता है 10, 20, 30, 40, वो आपको सेपरेटली परचेज करना पड़ता है 150, 180 की रेंज में। तो इसकी जो प्राइस है वो क्यूने के करीब करीब है। आप देख लेते हैं इस पर क्या मेंशन है। तो यहाँ पर वो बता रहे हैं कि उन्होंने इसमें जो है नेचुरल इंग्रेडिएंट्स ऐड किए हुए हैं और इसमें इनफ मॉइस्चर है कि आपके बालों को वो ड्राई नहीं करता है। और आप इसको रूट्स में भी मतलब अप्लाई कर सकते हो, लेकिन आप इसको रूट्स से मतलब 1-1 इंचज़ छोड़ कर कीजिएगा। और जहाँ पर इन्होंने स्पेशल नोट दिया हुआ ना बैक साइड पर, हाँ यहाँ पर, तो यहाँ पर इन्होंने मैंशन किया हुआ है कि इसमें अमोनिया टाइप केमिकल्स कुछ इंक्लूडेड हैं। तो आप पहले टेस्ट कर लीजिएगा, अगर आपको इससे रैश या एलर्जी वगैरह होती है तो आप प्रोडक्ट को यूज़ नहीं करें। आप देख लें आपको सूट करती है तो आप इसको यूज़ करें। और नंबर 2, आप इसको आईलैश या आईब्रो कलरिंग के लिए यूज़ नहीं करें। आप चॉकलेट ब्राउन, लाइट ब्राउन या इस तरह के शेड्स अचीव करना चाहते हो तो आप लोग विदाउट कट डाउन ही अपना विश कलर अचीव कर लोगे, लेकिन अगर आप लाइटर टोन में जाना चाह रहे हो या फंकी कलर्स अचीव करना चाहते हो तो कट डाउन मस्ट है। और कट डाउन जो है वो मेहंदी और जहाँ पे मेटालिक डाई यूज़ होता है वहाँ पर कट डाउन नहीं होता, वो हमेशा कॉपर पर स्टे कर जाता है। तो इस चीज़ का ख्याल रखें कि मेहंदी और जो सस्ते डाई होते हैं वो यूज़ नहीं किया करें, उससे आपके बाल बहुत ज़्यादा डैमेज हो जाते हैं और कट भी नहीं होते। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और फर्दर इन्फॉर्मेशन के लिए मुझे इंस्टा पे कांटेक्ट कर सकते हो, यहाँ पर मैं इंस्टा का अकाउंट मेंशन कर रही हूँ। मेकअप और हेयर से रिलेटेड आपको अगर कोई हेल्प चाहिए या इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप लोग मुझे डायरेक्ट इंस्टा पे DM किया करें। मैं हाय, हेलो इस तरह की चीज़ों का रिप्लाई नहीं करती हूँ। अगर आप लोग मुझे डायरेक्ट क्वेश्चन करते हो तो उसका आंसर मैं ज़रूर देती हूँ। आई होप आज की वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रही होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर।